हेलो बच्चों, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर, चैप्टर 4। बैलेंसिंग का एक टॉपिक आपका रह गया है, ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा आपका कंप्लीट, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा इसके बीच में, लेकिन एक चैप्टर मैं आज आपका शुरू कर रहा हूं। बच्चों, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, ठीक है, थोड़े बड़े लेक्चर्स भी हो सकते हैं तो मेरे साथ साथ ही आप लोग कवर करने की कोशिश करना, टाइम बहुत कम है। उसके बाद आगे रिविजन भी कराएंगे आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। बच्चों, अब देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और बेल आइकन को बेटा दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सारे लेक्चर्स की मिलती रहे, ठीक है। जितने लोगों को नहीं पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिससे मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊं कि आई एम हियर, सो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है इसको, ताकि आपके जो और भी बैचमेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन जा पाए और वो भी लोग भी थ्योरी ऑफ मशीन्स अच्छे से पढ़ पाए। देखो बच्चों, एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको बता दूं कि लाइफ में 2 साल आपको मेहनत करनी है अपने लिए, अपने ऊपर 2 साल। तो अगर आप 2 साल अपने लिए मेहनत कर लेते हैं तो आप 20 साल आगे पहुंच जाते हैं उन लोगों से जो लोग आज आपको भाव नहीं देते, ठीक है। सो आपको डिसाइड करना है, आने वाले 2023 अभी स्टार्ट हुआ है तो 23 और 24, 2 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो आने वाले 20 साल बहुत अच्छे होंगे बेटा, ठीक है, आने वाली लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो साथ में मेहनत करते रहिए। अब साथ साथ क्या रहेगा बेटा कि लेक्चर्स तो आएंगे लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको कहीं ना कहीं आपको ऑटोकैड से भी पढ़ाऊं, ताकि आप ये देखें कि कोई चीज अगर एक पुली जोड़ रही है, ठीक है, या पुली पर बेल्ट आ रही है तो वो कैसे लिंक हो रही है, उसका टॉप व्यू कैसा है, उसका फ्रंट व्यू कैसा है, है ना, ऊपर से देख रहे हैं तो कैसी लग रही है, सामने से देख रहे हैं तो कैसी लग रही है, वो भी सारी चीजें मैं आपको बीच बीच में, वो वीडियोस भी अब आपकी आती रहेंगी। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और इसके जो नोट्स हैं वो आपको एम्पॉली के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और भी मैंने नोट्स वहां पर भेज रखे हैं, तो एम्पॉली का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। अब देखिए बच्चों, पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, शक्ति संचारण की बात कर रहे हैं, ठीक है, शक्ति संचारण। अब ट्रांसमिशन से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ट्रांसमिट हो रही है यानी कि ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जा रही है। बहुत सही, नाम से ही काफी चीजें हमें क्लियर हो गई पावर ट्रांसमिशन से। अच्छा, क्या चीज ट्रांसमिट हो रही है? पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो पावर की जरूरत कहां पड़ती है? पावर की जरूरत पड़ती है जब हम किसी मोटर की हेल्प से किसी मशीन को घुमाते हैं, किसी मोटर की हेल्प से। सपोज ये कोई मोटर है बच्चों, ये एक मोटर है, ठीक है, और ये एक मशीन है, ये एक मशीन है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस मोटर की हेल्प से इस मशीन को घुमा दूं। अभी मैं ये क्या बना रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझते जाएंगे आप, ठीक है। ये शाफ्ट की जगह है बेटा, क्योंकि शाफ्ट पे क्या लगी हुई है, मोटर पे पुली लगी हुई है, ये क्या है, पुली है, ठीक है। रियल में पुली कैसी होती है या नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे डालिएगा पुली कैसी दिखती है तो पुली आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी क्या है, शाफ्ट पे एक बड़ी सी सरफेस लगा दी जाती है जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिसपे हम कोई भी बेल्ट चढ़ाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज चढ़ाते हैं, अभी क्या क्या लगाते हैं, कौन सा वो मीडियम बनता है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तो क्या होता है उससे वो शक्ति का ट्रांसमिशन होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये पुली है, ये अंदर एक मोटर है, मोटर के शाफ्ट से एक पुली कनेक्ट की, ठीक है, और यहां पर भी ये क्या है, मशीन है। अब मैं कोई ऐसी चीज इस पे लगाऊंगा, कोई ऐसी चीज जोड़ूंगा इनमें आपस में कि ये जो है मोटर इस मशीन को घुमाने लग जाएगी, इस मशीन को घुमाने लग जाएगी, यानी कि मोटर अगर इस तरीके से घूम रही है कैसे, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, पावर जाएगी इस डायरेक्शन में और वापिस आएगी, ठीक है। तो ये भी किस डायरेक्शन में घूमेगी, इसी डायरेक्शन में घूमेगी, सेम, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्राइवर, इसको बोलते हैं ड्रिवन, जिसे आपने सुना होगा, ड्राइवर शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट। तो ड्राइवर का मतलब होता है जो चला रहा है, ठीक है, जो चला रहा है, ठीक है, यानी कि चालक पुली,
और एक होती है चलित पुली, ठीक है। इसको बोलते हैं चालक पुली, इसको बोलते हैं चलित पुली। ये चला रहा है और ये चल रही है, तो जो चला रहा है वो ड्राइवर, जो चल रही है वो ड्रिवन। बहुत आसान है। अब देखो इसको अगर मैं लाइफ एग्जांपल से समझूं बच्चों, तो लाइफ एग्जांपल से आप समझिए कि ये है एक मोटर और ये है एक मशीन। अब मैं चाहता हूं इस मोटर की हेल्प से इस मशीन को चलाना, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये मोटर इससे रिक्वेस्ट करे मशीन से कि जरा थोड़ी देर के लिए चल जाओ, तो क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी। ऑब्वियस है, मुझे कोई ना कोई चीज ऐसी लगानी होगी इस पर जिसकी हेल्प से ये मोटर इस मशीन को चला पाए। और ये सामने है दोनों, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, एकदम आमने सामने है, ठीक है। अब बस मुझे इसको चलाना है, तो कोई ना कोई चीज मैं इसमें ऐसी जोड़ूंगा जब ये मैं मोटर चलाऊंगा तो ये मशीन चलेगी, ठीक है। अब ये मत बोल दीजिएगा सर ये फैन है इसमें तो मोटर लगा हुआ है, नहीं, अभी तुम ये समझो कि ये मशीन है इसमें मोटर नहीं है, ठीक है, मोटर इधर ही है, इसी की हेल्प से इसको घुमाना है। तो मैं क्या करूंगा ये समझो, ये एक तरह की पुली है, ये पुली है, इस पे एक बेल्ट चढ़ाऊंगा और उस बेल्ट की हेल्प से क्या होगा, मोटर की जो पावर है वो ट्रांसमिट होगी कहां तक, ड्रिवन तक मतलब मशीन तक। और जैसे ही मोटर पुली को घुमाना शुरू करेगी वो बेल्ट भी साथ साथ घूमना शुरू करेगी, और बेल्ट जैसे ही घूमना शुरू करेगी बच्चों क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं बेल्ट ड्राइव। क्या बोलते हैं? बेल्ट ड्राइव इसको बच्चों बोलते हैं। धीरे धीरे और इसके बारे में बताऊंगा। अब क्या होता है कि जब ये मशीन चलती है तो इसमें टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है, टेंशन क्रिएट होता है। अब टेंशन किस तरह का क्रिएट होता है, टेंशन क्यों क्रिएट होता है, खिंचाव क्रिएट होता है, क्यों, इसलिए क्रिएट होता है बेटा क्योंकि मशीन चलना नहीं चाहती। यहां भी टेंशन क्रिएट हो रहा है, यहां भी, ये क्या है, लेकिन मोटर क्या है, घुमाना चाह रहा है, तो क्या होगा, खिंचाव महसूस होगा। जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आपका रूममेट है, आप उससे बोल रहे हैं कि चल मेरे साथ, आ तुझे घुमा के ला। अब आपने, वो कह रहा नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना, वो लेटा हुआ है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसे खींचना स्टार्ट करेंगे कि आ नहीं मेरे साथ चल, मैं घुमाकर जरूर लाऊंगा। तो आप उसे खींचेंगे, क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, टेंशन क्रिएट होगा, आप खींचेंगे, नहीं तुझे चलना पड़ेगा साथ में, फिर वो धीरे धीरे उठेगा और चलना शुरू होगा। उसी तरह जब ये मोटर टेंशन खींचना स्टार्ट करेगी, चलाना शुरू करेगी, तो एक बार तो ये खिंचाव दिखाएगा, फिर मशीन साथ में चलना शुरू हो जाएगी बच्चों। इसी तरह से बेल्ट ड्राइव काम करती है, और भी बहुत सारी ड्राइव है, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, और हमें यह ध्यान रखना है इसमें कि एनर्जी का ट्रांसमिशन ज्यादा हो, एनर्जी का लॉस कम हो। अब आप कहेंगे एनर्जी का लॉस कैसे होगा सर, ठीक है, शक्ति का लॉस कैसे होगा? तो एनर्जी का लॉस ऐसे होता है बेटा कि एनर्जी, अगर सपोज ये जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, जैसे ये है, ये स्मूथ सरफेस है, अब आपने इस पर कोई चेन लगा दी, चेन ड्राइव की बात कर रहा हूं, आपने चेन लगा दी, तो इस पे पकड़ नहीं बना पाएगी चेन, तो एनर्जी तो ज्यादा लग रही है लेकिन जितना वर्क डन आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है, जितनी एफिशिएंसी मशीन की आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी ट्रांसमिशन ज्यादा हो, एनर्जी लॉस बहुत कम हो, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। अब देखो इसमें भी कुछ टाइप आ जाते हैं, क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज ऐसा होता है कि ये जो पुली है, अब आप समझ गए ये कौन सी पुली है, ये है ड्राइवर पुली। कौन सी पुली है बच्चों? ड्राइवर पुली है, और ये पुली है ड्रिवन पुली। कौन सी पुली है? ड्रिवन पुली है, ड्रिवन पुली है, ठीक है, यानी कि ये चालक है और ये चलित है, ठीक है, ये चालक है और ये चलित है, ये चला रहा है और ये चल रही है, यानी कि मोटर यहां लगी होगी और मशीन यहां लगी होगी, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी किसी बेल्ट से मान लो अभी, ठीक है, बस बेल्ट ड्राइव की बात कर रहा हूं इस लेक्चर में, ठीक है। धीरे धीरे डीप लेके जाऊंगा आपको, एकदम से नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएगा।
अब समझो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि जो ड्राइवर पुली है यहां पे वो स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है, और जो ड्रिवन पुली है वो लार्ज है, बड़ी है, ये छोटी है। ड्राइवर पुली क्या है, छोटी है, और ड्रिवन पुली क्या है, बड़ी है, बड़ी है। बच्चों देख पा रहे हैं आप, बड़ी है। तो इस कंडीशन में क्या होगी बेटा, कि जिसमें ड्राइवर पुली छोटी होगी और ड्रिवन पुली बड़ी होगी, उसमें स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और टॉर्क बढ़ जाएगा, घूर्ण बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में स्पीड क्या होगी, कम होगी। छोटी पुली तेज घूमती है, ठीक है, बड़ी पुली स्लो घूमती है। आप देखते होंगे इंजन में, अगर साइकिल की बात करूं तो साइकिल में एक आगे क्या है, पुली, एक आगे पुली है, एक पीछे पुली है। कल दिखाऊंगा आपको मॉडल साइकिल वाला, ठीक है। इसी तरह तो होता है साइकिल का अरेंजमेंट, आगे ये होता है, पीछे छोटा होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, पेंडल लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। हम पेंडल मारते हैं बहुत तेज, तो ये क्या होता है, ये तेज घूमता है, क्यों, ये छोटा है, ठीक है। तो अगर अब आप समझ रहे हैं कि अगर ड्राइवर बड़ा है और ड्रिवन छोटा है, चालक बड़ा है और चलित छोटा है, चालक बड़ा है, तो क्या होगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, टॉर्क कम होगा। सिंपल, ये चीज भी आपने सीख लिया, आज सीख ली कि अगर अगर ड्राइवर छोटा है, ड्रिवन बड़ा है, तो स्पीड कम होगी, टॉर्क बढ़ेगा। अगर ड्राइवर बड़ा है, ड्रिवन छोटा है, तो स्पीड बढ़ेगी और टॉर्क कम होगा। बड़ा आसान सा ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं ऑटो किड में भी दिखाऊंगा आपको, करके किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, ऑटो किड में दिखाऊंगा। तभी मैं अपने हर बच्चे से बोलता हूं कि अगर आप मैकेनिकल के हैं बताओ, तो आपको ऑटो किड 2D 3D सॉलिड वर्क्स ये सॉफ्टवेयर आने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वर्कर वाली जॉब नहीं करनी। हम लोग हैं इंजीनियर्स, तो हम इंजीनियर्स का काम करेंगे, हम समस्या को बताएंगे कैसे सॉल्व होगी, सॉल्व करेंगे नहीं उसको। डिफरेंस होता है बेटा बताने में और करके देने में, ठीक है। हम बता सकते हैं इस तरीके से करो, सॉल्व हो जाएगी, तो वी आर इंजीनियर्स, तो इंजीनियर्स वाली थिंकिंग रखिए आप लोग, ठीक है। हम आप लोग डिजाइनिंग के फील्ड में अपना थोड़ा सा साथ साथ करिए, अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी की भी कोई भी क्वायरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन सेंटर पे डिजाइनिंग की क्लासेस ही लेता हूं बेटा, और उसमें ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क्स मैं खुद पढ़ाता हूं, तो उसमें कोशिश करूंगा तुमको इससे लिंक करके पढ़ाऊं। और नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आपकी ज्यादातर क्लासेस मैं एनिमेटेड ही रखूंगा, ठीक है। इतने और अच्छा सा मेकअप कर लेंगे इसको, ठीक है, एनिमेटेड ही रखेंगे। और आप ये कोशिश करना कि फिफ्थ सेमेस्टर जैसे ही फिनिश हो, सिक्स्थ सेमेस्टर पे अपनी स्किल्स पे काम करना, ठीक है, ताकि जॉब कर तो करनी है, बहुत अच्छी वाली जॉब करनी है ना, भागना नहीं है, मैकेनिक वाली जॉब नहीं करनी है, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वही जॉब करेंगे। तो डिजाइन करने में ऊपर बात है, आपको ये सारी चीजें डिजाइन करनी है, पुली डिजाइन करनी है आपको, पुली को बनाना सीखना है। आप ये बताएंगे कंपनी में कि पुली इतने एमएम की या इतने सेंटीमीटर की डिजाइन करो, क्योंकि पुली की डायमीटर पूछी जाती है बेटा। ये सपोज एक मशीन है, ठीक है, मशीन में आपको ये बताना है कि मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक पावर ट्रांसमिशन हो, ठीक है, मोटर से इस मशीन को चलाना है। मशीन आपको दिखा दी, अब आपसे कहेंगे कि आप इसके लिए पुली डिजाइन करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे कि ठीक है, आप सारी डायमेंशंस लेंगे, है ना, सारी चीजें देखेंगे, और आप बताएंगे कि ये पुली इतने सेंटीमीटर की बना के इतने डाया की दे दो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपको प्रोडक्शन के लिए डिजाइन करके देना है, ठीक है, आपको प्रोडक्शन लाइन पर बैठकर नहीं देखना, आपको मेजर नहीं करना कि हाँ इंजीनियर साहब ने बताया था इतने ही एमएम की, इतने ही सेंटीमीटर की पुली है ना, वो काम नहीं करना। तो ये मैं उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारी ड्राइव्स होती है बेटा हमारी, ठीक है, बहुत सारी ड्राइव्स होती है,
बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं। कौन कौन सी ड्राइव्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, देन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा बेल ड्राइव के बारे में और, ठीक है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे बेटा बेल ड्राइव के बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्कर ने दम तोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ले लेंगे, दम तो नहीं तोड़ने देंगे किसी भी चीज को। बेल्ट ड्राइव, ठीक है, पट्टा चालन बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, पट्टा चालन। ठीक है, ये कोई बेल्ट ड्राइव कोई बड़ी डिफरेंस वाली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेल्ट ड्राइव सिंपल सी है, बहुत आसान है, ठीक है। अभी जैसे आप गांव में देखते हैं ना, चक्की में लगी होती है ना, जहां पे आटा पिसता है उसमें चक्की में क्या होता है, बेल्ट लगी होती है, एक साइड मोटर चल रहा होता है, दूसरी साइड क्या होता है, आटा पिस रहा होता है, तो आटे की जो वो शाफ्ट है उसे घुमा रही होती है, कौन घुमा रही होती है, बेल्ट घुमा रही होती है, बेल्ट ही तो लगी होती है, ठीक है। वो उसके अलग अलग मेथड है लगाने के, कहीं पे ओपन सिस्टम में लगी होती है, कहीं पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड में लगी होती है, वो सारी चीजें मैं अभी धीरे धीरे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कहीं कहीं पैनल पे भी लगी होती है। देखो उसके बाद पढ़ेंगे रोप ड्राइव के बारे में, रोप ड्राइव के बारे में, ठीक है, रस्सा चालन के बारे में बेटा, रस्सा चालन अगर लिख सकते हैं मेरे साथ में तो कोशिश करना लिखो, ठीक है, अदरवाइज मैं नोट्स भी आपके लिए बना रहा हूं, साथ साथ आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, कराऊंगा चैप्टर फिनिश होने के बाद, ठीक है, या बीच में कोशिश करूंगा करा दूंगा, हाफ ऑफ चैप्टर की करा दूंगा, क्योंकि डेली काफी सारी चीजें मुझे करनी है आपके एग्जाम से पहले पहले, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मुझे आपकी करानी है, ठीक है, ये जिम्मा मैं उठा चुका हूं, तो मुझे करना है तो करना है, साथ आप लोगों का चाहिए, शेयर आप ही लोग करेंगे, जितना ज्यादा कर सकते हैं करिए, अगर आपको मेरी जरूरत है, ठीक है, तो मुझे आपकी जरूरत है भी, ये समझ लीजिए, एक दूसरे का हाथ थामेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो चेन ड्राइव, उसके बाद रहेगी बेटा थर्ड पढ़ाऊंगा चेन ड्राइव के बारे में, चेन ड्राइव, ठीक है, चेन चालन के बारे में, चेन चालन के बारे में, और चौथा आपका रहेगा गियर ड्राइव के बारे में बेटा, गियर ड्राइव, ठीक है, गियर चालन के बारे में, ठीक है। कहीं कहीं गियर भी तो लगाए जाते हैं, तो गियर भी इसी तरह से मीडियम का ही काम करते हैं मेन। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में बेटा, बेल्ट ड्राइव सबसे पहले आपको पढ़नी है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको कभी भी आप अगर वर्कशॉप में फैक्ट्री में जाएं या ट्रेनिंग पीरियड में कहीं भी जाएं आप, तो सपोज आप बेटा यूनिफॉर्म में है तो आप लोग के टाई लगाते हैं, आप टाई नहीं होती तो आईडी कार्ड आपके गले में होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि ये पुली अगर कहीं पर घूम रही है ना, तो पुली के आसपास आपको आईडी कार्ड वगैरह पहन के नहीं जाना है, क्या होता है वो उसमें इलझ जाता है ना, एक बार इलझ गया आपको खींच लेगा पूरा, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, जितने भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं खासकर इन चीजों का बेटा ध्यान रखना चाहिए, हीरो नहीं बनना चाहिए मशीन के पास जाकर के, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बेल्ट ड्राइव पढ़ाऊंगा बेटा, बेल्ट ड्राइव हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, बेल्ट ड्राइव की डेफिनेशन लिखो साथ साथ मेरे, ठीक है, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखो, ठीक है। बेल्ट ड्राइव इज ए फ्रिक्शनल ड्राइव दैट ट्रांसमिट्स, ये क्या है, ये एक तरह की फ्रिक्शनल ड्राइव है जो ट्रांसमिट कर रही है, क्या ट्रांसमिट कर रही है, पावर, पावर बिटवीन टू और मोर शाफ्ट यूजिंग पुलीज, एंड इलास्टिक बेल्ट, ठीक है, ये एक ही बेल्ट रहेगी। देखो क्या मतलब है इस डेफिनेशन का बच्चों, इस डेफिनेशन का, ये तो बुकिश डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये लिखना। देखो ये कह रहा है कि ए बेल्ट ड्राइव इज ए फ्रिक्शनल ड्राइव
द ट्रांसमिट पावर, ये क्या है? फ्रिक्शनल ड्राइव है एक, जो क्या कर रही है? ट्रांसमिट कर रही है पावर, किसमें? दो शाफ्ट्स के बीच में। शाफ्ट्स कहां लगी हुई है? ये शाफ्ट लगी हुई है, एक शाफ्ट, दूसरी शाफ्ट, ठीक है? दो शाफ्ट के बीच में ट्रांसमिट शाफ्ट कर रहा है, किसकी हेल्प से? पुली की हेल्प से। पुली बना दो, एंड एन इलास्टिक बेल्ट, इलास्टिक बेल्ट बना दो, हो गई पावर ट्रांसमिट। इतना आसान है, कर दी पावर ट्रांसमिट। ये भी इधर घूम रहा है, ये भी इधर घूम रहा है, ये इधर गया, ये वापिस आ गया, ये चलेगा इस तरीके से, चलेगा ये देखो इस तरीके से चलेगा, सिंपल। ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या लिखना है बेटा इसमें। इसका इस्तेमाल बेसिकली, इसका जो इस्तेमाल है वो बेसिकली 6 मीटर से 10 मीटर तक ही किया जाता है, ठीक है। बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल, इसकी एक लिमिट है, बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल इस्तेमाल 6 मीटर से 10 मीटर तक की दूरी के लिए किया जाता है, दूरी के लिए किया जाता है, ठीक है। 6 से 10 मीटर, इससे ज्यादा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है, ठीक है। एक साइकिल की चेन है, ठीक है। अब सपोज आप एक साइकिल चला रहे हैं तो चेन से पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। आप पेंडल मार रहे हैं, ठीक है, चेन से पावर ट्रांसमिट हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? एक पुली से दूसरी पुली तक पावर का क्या है? ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से व्हील घूम रहे हैं और साइकिल आगे बढ़ रही है। अब आपने क्या किया, साइकिल का एक व्हील तो लगाया यहां जहां मैं खड़ा हूं और दूसरा व्हील लगाया 20 मीटर दूर। अब आप फिर चेन से खींच रहे हैं तो क्या उतनी पावर ट्रांसमिट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, साइकिल बैलेंस ही नहीं हो पाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, सिंपल, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। तो अब समझ रहे हैं ना कैसे लिंक हो रही है चीजें। तो हमने क्या है, बैलेंस भी करना जरूरी है ना, हर चीज का एक बैलेंस होता है। अब आपने लगा दी एक बेल्ट, लगा दी सपोज एक बेल्ट लगा दी यहां, दूसरी बेल्ट लगा दी यहां, ठीक है। अब आपने इन्हें आपस में जोड़ दिया, अब यह है 10 मीटर से ज्यादा की दूरी, तो क्या होगा? पता चला बेल्ट ही उतर गई, बेल्ट उतर गई, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जितनी दूरी होगी उतनी ज्यादा लूज हो जाएगी, ठीक है, ढीली भी तो होगी क्योंकि कितने टाइट कर लोगे, और टाइटनेस होनी बहुत जरूरी है। अगर ये टाइट नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगी, लूज हुई उतर गई, एफिशिएंसी भी नहीं आएगी। अगर घूमेगी भी तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस हमें चाहिए नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग में लॉस की कोई गुंजाइश नहीं होती, मिनिमम लॉस रखा जाता है बच्चों। अब देखो इसके हम पढ़ेंगे टाइप्स, बेल्ट ड्राइव कितने टाइप्स की होती है वो अब हम पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक है। पढ़िए बेटा, ठीक है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव के प्रकार, ठीक है, बेल्ट ड्राइव के प्रकारों के बारे में पढ़ा रहा हूं। अब तो बाइलिंगुअल चल रहा है आपका पूरा, ठीक है। अब मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, नोट्स भी आपको दोनों लैंग्वेज में भेजे गए हैं, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ा रहा हूं आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट, बेल्ट के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट। ये पहला डिफरेंस है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेल्ट का, ठीक है, किसके, अनुप्रस्थ काट के आधार पर, पट्टे के अनुप्रस्थ काट के आधार पर, ठीक है, पट्टे के अनुप्रस्थ काट के आधार पर, यानी कि पट्टा कैसे कटा होगा। अब देखो दो टाइप से कटा होगा बेटा, क्या होगा, एक तो होगा फ्लैट बेल्ट ड्राइव, एक तो होगी फ्लैट बेल्ट ड्राइव चपटा, दूसरा होगा वी बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, ठीक है, ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव। तो जब हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, तो ये क्या चपटा पट्टा है, ठीक है। जैसे चपटा पट्टा कहां इस्तेमाल किया जाता है, कहां इस्तेमाल किया जाता है, वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है ना, वर्कशॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट फ्लैट का। इसमें क्या है, ये रेक्टेंगुलर, ये चपटा होता है ना,
अधिक दूरी पर इससे क्या होता है कि कम शक्ति अधिक दूरी तक पारेषित की जाती है, कम शक्ति अधिक दूरी तक, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं वर्कशॉप में कोई चीज चलाई जा रही है, ठीक है, तो क्या कहां क्या मिलेगा आपको, फ्लैट बेल्ट ड्राइव वहां पे लगा हुआ मिलेगा। वी बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें, इसमें जो होता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव में क्या होता है बेटा, इसमें ग्रूव बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, तो ये फंस जाती है, फंस के चलती है। और आपको पता है जब कोई चीज फंस के चलती है तो वो क्या टाइटली चलती है, जैसे गियर्स पे चेन चलती है वो बड़ी टाइट होकर चलती है, ये थोड़ी ना एक गियर भी स्किप कर दिया। जैसे हम क्या करते थे बचपन में, आपके सबके साथ हुआ होगा, सारे बच्चों के साथ हुआ होगा, बताना कमेंट में अगर हुआ है, हम साइकिल चला रहे थे बहुत तेज, ठीक है, अब साइकिल चला रहे बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, अब जब थोड़ी साइकिल पुरानी हो जाती थी ना या उसकी चेन लूज हो गई तो क्या होता ना, हम बहुत तेज साइकिल चला रहे एकदम से चेन उतर गई, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती थी भाई साहब, अजीब ही हाल हो जाता था, स्पीड में अगर आपकी चेन उतर गई, ठीक है, अजीब ही हाल हो जाता, ठीक है, बहुत जोर से गिरते थे, तो क्या हो रहा है कि आप, वो क्या है उसमें ग्रूव तो है लेकिन क्या हुआ लूजनेस हुई, तो क्या हुआ चेन उतर गई, चेन उतर गई तो क्या हुआ आप गिर पड़े। उसी तरह अब वी बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, इसका इस्तेमाल बेटा पता है कहां किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में, है ना, गाड़ियों के इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फैन बेल्ट, फैन बेल्ट देखना कभी गाड़ी की, ठीक है, जिसका जो फैन को घुमाती है वो फैन बेल्ट देखना, वी बेल्ट ड्राइव वहां पर लगी होती है, ठीक है, इसमें ग्रूव बने होते हैं, ठीक है। और भी इसका लेथ मशीन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वी बेल्ट ड्राइव का लेथ मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं रैपिंग ऑफ बेल्ट एंड पुली के, ठीक है, रैपिंग मीन्स लपेटना, ठीक है, लपेटना किसी चीज को, ठीक है, रैपिंग के बेसिस पर बात करूंगा, ठीक है, पूरा नहीं मिटाना है, सेकेंड पार्ट होगा अब इसका, ऑन द बेसिस ऑफ रैपिंग, रैपिंग ऑफ बेल्ट, रैपिंग ऑफ बेल्ट एंड पुली, ठीक है, रैपिंग ऑफ बेल्ट एंड पुली। तो इसमें पहला आ जाता है इसका आपका ओपन बेल्ट, ओपन बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, और दूसरा आपका आ जाता है बेटा इसमें क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। अब ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या है बेटा, पट्टे को पुलियों के ऊपर ऊपरी स्तर पर लगाया है, ठीक है, ऊपरी स्तर पर लगी हुई है, जैसे कि सपोज ये पुली है, ये पुली है, तो इसके ऊपरी स्तर पर क्या है पट्टे को लगा दिया है और पट्टा घूम रहा है, उसको बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव, नाम से पता चल रहा है खुला हुआ है, ऊपर की तरफ है, खुला हुआ है, यहां पर क्या है बेल्ट लगी हुई है और ये बेल्ट क्या है घूम रही है, ये भी घूम रहा है, और ये क्या है ड्राइवर है, साथ में किसको घुमा रहा है, ड्रिवन को घुमा रहा है, ये चालक है चलित को घुमा रहा है साथ में, ठीक है, तो क्या हो रही है पावर ट्रांसमिट हो रही है, ये भी इसका एक टाइप है ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। दोनों पुली क्या है एक ही दिशा में घूमेंगी, दोनों पुली क्या है एक ही दिशा में घूमेंगी, समान दिशा में घूमेंगी, क्यों, देखो क्या है, एक पुली ये रही, दूसरी पुली ये रही, अब ये इसको ये हमने बेल्ट लगाई, ठीक है, बेल्ट लगाई, अब क्या होगा कि सपोज ये घूम रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से बेल्ट यहां गई, इसको घुमाना स्टार्ट किया तो ये भी इसी डायरेक्शन में घूमेगी और फिर बेल्ट वापिस आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव, ऊपर लगी होगी लेकिन दोनों पुली के पट्टा कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, बेल्ट कहां होगी ऊपर की तरफ होगी। दूसरा होगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैसी होती है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव इस तरीके से होती है बेटा, एक ये है पुली, एक ये पुली है, ठीक, इसको यहां लगाया, इसको यहां लगाया, ये आपने शायद कहीं देखा होगा चक्की वगैरह में देखा होगा, चक्की में इसी तरह लगाई जाती है बेल्ट, ठीक है ना, देखना आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की बेटा जहां पे आटा पिसता है, सबने देखी होगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें डिफरेंस ये आएगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव में कि इसमें अगर ये घूम रही है इस डायरेक्शन में तो ये घूमेगी आपकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या है, ये गया, ये देखो ये गया इधर, क्या गया इधर, तो अगर ये घूम रही है आपकी कैसे क्लॉकवाइज तो ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया, बिल्कुल, अगर ये घड़ी की तरह घूम रही है तो ये
घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगी। इसी को बोलते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। पुली ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगी एक दूसरे के। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में डिफरेंस समझ में आया आपको कि ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या हो रहा है, एक ही दिशा में दोनों घूम रही है, समान दिशा में घूम रही है, ठीक है, समान दिशा में दोनों घूम रही है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, समान दिशा में घूम रही है। और इसमें क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, दोनों एक दूसरे के उल्टा घूम रही है। अगर ये घड़ी की दिशा में है तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे तीसरा, किस बेसिस पे इसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। वर्गीकरण ही है, एक तरह से वर्गीकरण बोल लो या टाइप्स बोल लो, वर्गीकरण करते हैं किसी के बेसिस पे, ठीक है, कि इस इसके बेसिस पे कर लो, ठीक है, और उसी तरह से उसके प्रकार बता दिए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे किसके बेसिस पे, जिसमें हमारा आएगा पैरेलल ड्राइव, है ना, राइट एंगल ड्राइव और आइडल ड्राइव, ठीक है। ये किसके बेसिस पे किया जाता है, ये किया जाता है पुली की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे, यानी कि ड्राइवर और ड्रिवन पुली की पोजीशन, यानी कि जो चालक पुली है और जो आपकी चलित पुली है, उन दोनों का क्या हो रहा है, उनकी पोजीशन, ठीक है, उनकी जगह के बेसिस पर। तो सबसे पहला कहां आता है, इसको मिटा देते हैं फिर बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली, ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली, तो चालक और चलित, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चालक और चलित, चालक जो चला रहा है, चलित जो चल रहा है, ठीक है, मैं चालक हूं, आप मेरे चलित हैं, मैं चला रहा हूं, आप चल रहे हैं, टोम का कोर्स मैं चला रहा हूं, आप टोम का कोर्स चल रहे हैं, टोम के कोर्स के थ्रू, है इस तरीके से समझो, समझना है, याद रखना है, कुछ भी तरीके से समझो, ठीक है। अब देखो इसमें आता है, पहला आता है पैरेलल ड्राइव, पैरेलल ड्राइव बेटा, दूसरा आता है इसमें राइट एंगल ड्राइव, तीसरा आता है आइडल ड्राइव। ये तीन प्रकार इसमें हमें पढ़ने हैं। देखो जब हम पैरेलल ड्राइव की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के समांतर होती है। पैरेलल का मतलब ही क्या है, ठीक है, सपोज मेरे ये दो मार्कर हैं तो ये पैरेलल हैं, ये देखो पैरेलल है। तो अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं, ठीक है, और कोई बड़ी चीज मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाऊं, अब ये देखो ऐसे रखो, पैरेलल है, यानी कि अगर ये ड्राइवर है तो ये ड्रिवन है, बेल्ट लगा दूं तो क्या होगा, दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, ये घूमेगा तो ये भी साथ में घूमेगा, समझे बच्चों। इसी तरह से पैरेलल ड्राइव काम करती है, एक दूसरे के समांतर होती है शाफ्टें। अगर शाफ्ट आपने पैरेलल लगा दी तो पुली ऑटोमेटिकली पैरेलल आ जाएगी और बेल्ट उस पर घूमती रहेगी, उसको बोलेंगे पैरेलल बेल्ट ड्राइव। क्या बोलेंगे, पैरेलल बेल्ट ड्राइव, समांतर चालन, समांतर चालन उसको बेटा बोलेंगे। साथ साथ याद कर लीजिएगा इसको एकदम, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो, ठीक है। राइट एंगल, उसके बाद आता है राइट एंगल ड्राइव, है ना, लंब चालन बेटा, लंब चालन, लंब चालन, ठीक है। तो जब लंब चालन में मैं बात करता हूं तो इसमें बेसिकली होती क्या है कि पुली में और जो आपकी एक पुली में और दूसरी पुली में जो डिफरेंस होता है वो राइट एंगल का डिफरेंस होता है बेटा। वो कैसे होता है अभी बताता हूं, देखिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो पुली की जो दो पुली हैं, ठीक है, उनमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए कैसे है? जैसे सपोज मेरे पास ये दो पुली है, ठीक है, दो पुली है। अब सोच रहे होंगे सर ने कितने सारे टेप ले रखे हैं, ठीक है। देखो ये सपोज दो पुली है तो अब तक कैसे पढ़ रहे थे कि ये इस तरीके से लगी हुई है ऐसे। अब आया कौन सा डिफरेंट, राइट एंगल वाला, लंब, आपका लंब चालन वाला प्रोसेस। अब बेसिस, तो इसमें क्या होगा, पुली जो है वो 90 डिग्री घूमेगी, देखो राइट एंगल। तो एक पुली तो घूम रही है ऐसे, दूसरी पुली घूम रही है ऐसे, ये देखो
तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं राइट एंगल ड्राइव, इसी को बोला जाता है। अब बात करते हैं आइडलर ड्राइव की। तो आइडलर ड्राइव में क्या होता है बेटा, कि आइडलर ड्राइव में बेसिकली ये जो दो पुलीज हैं, एक पुली ये चल रही है, एक पुली ये चल रही है, इसमें दो पुलीज और लगा दी जाती है। ये देखो ये दो पुली लगा दी जाती है यहां पर, इसको बोलते हैं आइडलर पुली। बेसिकली इनका इस्तेमाल किया जाता है, पिछली पुली भी बोला जाता है, पिछली पुली, ठीक है, बिचली पुली, बीच में लगी हुई है ना, तो बिचली पुली भी इनको बोला जाता है, बिचली पुली, ठीक है, बिचली पुली, ये वही है आपकी दो पुरानी पुली। इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं आइडलर पुली, ठीक है, क्या बोलते हैं आइडलर पुली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका बेटा, नेक्स्ट आपका रहेगा नेक्स्ट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पुलिस। अब नंबर ऑफ पुलिस पे रहेगा, तो ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, एक तो सरल रहेगा आपका और दूसरा रहेगा यौगिक पट्टाचालन, ठीक है, एक रहेगा। अब नंबर ऑफ पुलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पुलिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपके जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है, on the basis of number of police, ठीक है। तो पहला रहेगा सिंपल सरल और दूसरा रहेगा कंपाउंड, दो डिफरेंस होते हैं इसमें, दूसरा रहेगा कंपाउंड, ठीक है, इसको बोलते हैं यौगिक, यौगिक, ठीक है। सिंपल में क्या है, सिंपल तो डिफरेंट सीधा सा है, एक पुली ये लगी हुई है, दूसरी पुली ये लगी हुई है, बेल्ट इसके ऊपर लगा दी है, इसको बोलते हैं सरल बेल्ट ड्राइव, क्या बोलते हैं सिंपल बेल्ट ड्राइव बोलते हैं बेटा इसको, सरल पट्टा चालन इसको बोला जाता है, ठीक है, सिंपल सा है। लेकिन अब बात करता हूं कंपाउंड, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कंपाउंड में, कंपाउंड में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है बेटा, क्या ट्विस्ट आ जाता है मैं आपको दिखाता हूं। सपोज एक पुली लगी हुई है, ये एक पुली लगी हुई बड़ी, ठीक है, ड्राइवर पुली है, ठीक है, ये घुमा रही है छोटी पुली को, ये जोड़ा इसको, ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंपाउंड की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ पुलिस अब बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसी से कनेक्टेड है, इसी के पीछे लगी हुई है बड़ी पुली, ठीक है, अब जब ये वाली पुली घूमेगी तो ये भी तो घूमेगी साथ में, तो इससे क्या किया, इससे एक और पुली को हमने जोड़ा, एक और पुली हमने जोड़ दी। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, है ना, यौगिक पट्टा चालन, इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है। बेसिकली क्या कर रहा है कि सपोज ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट पर पुली चल रही है, ये पुली चल रही है, ये इसका एक फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है, ये शाफ्ट घूम रही है, तो इसी तरह ये एक और शाफ्ट है, एक और शाफ्ट है, तो ये क्या है, ये इसको घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये घूम रही है इसके साथ साथ एक और लगी हुई है बड़ी, इसने इसको घुमाया, ठीक है, अब ये घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, तो ये भी तो घूम रही है साथ में। अब क्या हुआ, जो तीसरी शाफ्ट लगी हुई है, तीसरी शाफ्ट जो लगी हुई है, ठीक है, उससे कनेक्टेड है ये वाली पुली, तो इससे पावर यहां जा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं किसमें, कंपाउंड पुली में, ठीक है, कंपाउंड पुली में। तो यहां पे ये जो आपके टाइप्स हैं ये खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। जो एम पॉली का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको नोट्स प्रॉपरली मिलते रहे। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है, और मेहनत अच्छे से करते रहना, पढ़ाई करते रहना, कल से आपके डेरिवेशन में स्टार्ट कर रहा हूं।